नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड अनुराग सर में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किए हैं कोई बात नहीं। अगर आपने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देख लीजिए। हमारी जो क्लास चल रही है औसत की चल रही है, एवरेज में हमने दो पार्ट सुपर थर्टी में हमने दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। हमने बताया है कि कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें मैथ पूछी जाती है, अगर उसमें मैथ पूछी जाएगी तो जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ इसमें से कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है, ये हमारी गारंटी रहेगी। एवरेज का मैं इसीलिए छठा छठा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि अगला टाइप में दे रहा है कि एक कक्षा में, जैसे कि अगर हमको कुछ व्यक्तियों का औसत दिया है उसमें से कुछ व्यक्ति चले जाते हैं, उनकी जगह पे नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो औसत में परिवर्तन होता है, उससे जो व्यक्ति गया उसका औसत क्या है, यही चीज हम ज्ञात करने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, एक कक्षा में 31 छात्रों का भार 30 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। हम कल एक चीज बताए थे पुराने वीडियो में, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति जुड़ रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति के जाने से औसत में वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब कि जाने वाला व्यक्ति कमजोर था, अर्थात जाने वाला व्यक्ति औसत से छोटा था। अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, किसी व्यक्ति के प्रवेश करने से औसत बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है, औसत बढ़ जा रहा है, तो अगर औसत बढ़ जाएगा इसका मतलब जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसकी आयु औसत से अधिक होगी। तो चलिए, कह रहा है कि यदि एक अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है यानी कि अध्यापक का भार क्या होगा, तो अध्यापक का भार देखिए क्या कह रहा है कि बढ़ जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले औसत लिख लीजिए, औसत लिखने के बाद अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ प्लस, अगर घट जाएगा तो यहाँ माइनस। तो चलिए, अगर किसी के शामिल होने से औसत बढ़ेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, किसी के शामिल होने से अगर औसत घटेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, किसी के चले जाने से अगर औसत बढ़ेगा तो यहाँ माइनस होगा, और अगर किसी के चले जाने से औसत घट जाएगा तो यहाँ प्लस होगा। जाने और आने में उल्टा है, अगर आएगा तो अगर कोई सम्मिलित हो रहा है और औसत बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस होगा। तो कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम, तो 0.500, ठीक, और इनटू अगर अध्यापक के आने से औसत बढ़ जा रहा है तो कितने लोग थे, देखिए 31 छात्र थे, अध्यापक आ गया तो कितने लोग हो गए 32, तो जितने टोटल लोग हो जाएंगे वही से गुणा हो जाएगा, यानी 30 और प्लस इसका जब गुणा कर देंगे ये हमारा हो जाएगा 16.00, यानी कि जो हमारा औसत हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, 5×10 की 0 से लगे 1, 5×15, 1=16, तो जो हमारा औसत हो जाएगा वो 46 वर्ष, यही आ जाएगा आंसर, यानी कि अध्यापक की आयु कितनी हो गई, 46 वर्ष। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लीजिए, अगले वीडियो में समझ में आ जाएगा। 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु सम्मिलित करने से औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताइए। तो चलिए, शिक्षक की आयु बराबर, हमने क्या कहा कि अगर किसी के आने से औसत में अगर वृद्धि हो रही है तो जो आयु रहेगी वो औसत से बड़ी रहेगी, ठीक। तो देखिए कितने थे पढ़िए, 36 थे, शामिल किसको किया गया, शिक्षक को, अब कितने हो गए, अब हो गए 37, पहले 36 थे, एक बढ़ गया, अब 37 हो गए। वृद्धि कितने की हो रही है, एक वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो जितनी वृद्धि होगी वही से गुणा कर दिया जाएगा, अर्थात 14 प्लस 30
सेवन यानी कि 7 4 11 की 3 4 5 इसका मतलब शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 51 वर्ष। फिर पांच व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाने जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या थी? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गया और किसी व्यक्ति के जाने से दो वर्ष की कमी हो गई, मतलब अगर हमारा एक समूह ग्रुप है और हमारे ग्रुप में कोई चला गया, हमारी जो क्षमता है ताकत है वो कमजोर हो गई, इसका मतलब जो गया वो मजबूत था, तो इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर 50 तो रहेगा ही। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और जाने पे औसत कम हो जाएगा तब भी यहाँ पे प्लस ही रहेगा, तो प्लस 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो प्लस 2 और इंटू अगर व्यक्ति चला गया तो पहले 5 थे, कितना बचा 4 बचे, 2 × 4 तो यानी कि 50 + 4 = 8 यानी कि जाने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का है, 58 वर्ष का है। ठीक, तो अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं उसको क्लियर करता हूँ। देखिए अगर व्यक्ति जाएगा और अगर व्यक्ति आएगा, दो ही कंडीशन है, या तो व्यक्ति जाएगा और या तो व्यक्ति आएगा, तो या तो जाएगा वृद्धि होगी कमी होगी, या तो आएगा तो वृद्धि होगी कमी होगी। तो समझिए अगर व्यक्ति जा रहा है, ठीक, अगर व्यक्ति जा रहा है और औसत में वृद्धि हो जा रही है, मतलब हम 5 लोग हैं, हमारे 5 लोग में एक लोग चले गए और एक लोग चले गए तो हम लोगों की जो क्षमता थी वो और मजबूत हो गई, तो इसका मतलब जो चला गया उसी की वजह से हम लोग कमजोर थे। ठीक, तो इसका मतलब जाने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, जो जाने वाला रहेगा वो क्या रहेगा, औसत से कम रहेगा। ठीक, कब, जब व्यक्ति के जाने से वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह अगर व्यक्ति के जाने से कमी हो जाएगी, मतलब हम 5 लोग थे, हमारे में से एक व्यक्ति चला गया तो हम लोग कमजोर हो गए, अगर कमजोर हो गए तो इसका मतलब जो व्यक्ति गया वो मजबूत था, मजबूत का मतलब बड़ा था, तो इसका मतलब कि औसत से ज्यादा था, औसत से अधिक। ठीक, तो कम का मतलब समझ रहे होंगे आप, कम का मतलब माइनस और अधिक का मतलब प्लस। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आ गया, हम 5 लोग थे, हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति आ गया, उसके बाद हमारी औसत बढ़ गई, मतलब हमारी ताकत बढ़ गई, तो अगर व्यक्ति के आने से ताकत बढ़ जा रही है, इसका मतलब जो आ रहा है वो क्या है, मजबूत है, इसका मतलब कि अगर बढ़ जा रहा है तो औसत में क्या हो जाएगा, औसत में वृद्धि हो जाएगी। और उसी तरह अगर कमी, हमारे समूह में कोई एक व्यक्ति आ गया, उससे हम लोग अगर कमजोर हो गए, इसका मतलब जो आया है वो क्या है, वो कमजोर है, अर्थात औसत में माइनस हो गया होगा। ठीक, तो हम समझ रहे होंगे कि आप लोग समझ लिए हैं इसको, अगर ना समझे हो तो आप कमेंट करिए, हम इसको एक बार फिर से नया वीडियो बना के समझाएंगे। क्वेश्चन लिखा है, 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, 5 व्यक्तियों का समूह था, उसमें एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, और उस 60 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, मतलब 60 किलोग्राम वाला चला गया, उसके जगह पे नया व्यक्ति आ गया, जिससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, जिससे औसत में क्या हो जाती है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु बताइए, तो नए व्यक्ति की आयु। अब देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है और उसके जहां पे एक व्यक्ति आ रहा है, जो व्यक्ति गया वो 60 किलोग्राम का था, अगर जो व्यक्ति आता, अगर वो व्यक्ति 60 किलोग्राम का होता तो औसत में कोई परिवर्तन ना होता, भाई 60 किलोग्राम का गया, 60 किलोग्राम का आ गया, लेकिन हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति आया है उसके आने से औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कि वो 60 किलोग्राम से ज्यादा का आदमी है, जो आदमी आया है उसकी आयु 60 किलोग्राम से अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि औसत में वृद्धि हो जा रही है आने से, तो हमने बताया कि अगर कोई आ रहा है आने से वृद्धि हो जाएगी तो प्लस, अब कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, और कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं,
क्योंकि एक व्यक्ति गया और उसी के स्थान पर एक व्यक्ति आया, इसीलिए पांच ही रहेगा, पांच गुणे एक अर्थात 60 + 5 = 65 वर्ष, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए कि समझ में आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु, इसको मैं दो नियम से समझाऊंगा। एक आपको मैं बताऊंगा यंग एटी फार्मूला, यंग एटी फार्मूले से औसत का कोई भी क्वेश्चन हो सब साल हो जाएगा, और एक मैं अनुपात वाला नियम समझाऊंगा। तो देखिए, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी कि 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि यंग गुणे ए बराबर टी होता है, याद रखिएगा। तो 16 × 48 यानी कि 480। 20 लड़कियों का ये बॉय है और ये गर्ल है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 × 28 यानी कि 280। तो टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितने हो गए, 30, 20, 50, और टोटल व्यक्ति टोटल ये कितना हो गया, तो 0, 8, 8, 16, 6, 1 और 4, 3, 760। तो औसत टोटल का जो औसत है, टोटल का औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, अर्थात 760/50। इसको जब काट देंगे तो 0, 0, 5 × 5, 2, 7, 5 × 25, 1 × 26, 15.2, यानी कि जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा। एक नियम तो ये है यंग एटी वाला, और एक और समझ लीजिए, लड़की और लड़की क्या लिखा है, देखिए 30 लड़के ठीक, और कितनी लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, तो 30 लड़कों की औसत आयु कितना है 16, और 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है 14। तो कह रहा है कि सभी विद्यार्थी सभी बच्चों की औसत आयु कितना है, तो मान लीजिए कि सभी की औसत आयु कितनी है, यक्ष है, तो 16 - यक्ष, और इधर जब करेंगे तो 14 - यक्ष। ठीक, एक बार 16 - यक्ष और एक यक्ष माइनस 14, तो जो इनका अनुपात होता है इसके अनुपात के बराबर होता है, अर्थात यक्ष माइनस 14 बटे 16 - यक्ष बराबर 30/20। इसको जब काट देंगे तो 2 × 2 = 14 × 28 बराबर 16 × 48 - 3 = 3 यक्ष इधर आएगा, तो 5 यक्ष = 8 + 8 = 16, 6 + 1 = 1 और 4, 3, 7, 76। तो यक्ष बराबर आ जाएगा आपका 15.2, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो चाहे आप इस नियम से सॉल्व करें और चाहे आप इस नियम से सॉल्व करें, दोनों नियम से आपको आना वही है, जो आपको अच्छा लगे आप उस नियम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी, समझिएगा। इसमें चाहे आप यंग एटी से करें और चाहे जिस तरह बताए, दोनों नियम से आप कर सकते हैं। यंग गुणे ए बराबर टी, यानी कि 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 × 28 = 2, 14 × 3 = 42, 42 × 44। उसके बाद 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि 12 × 6 = 72, 2 + 7 = 12, 7 = 19। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने हो गए, 6 × 2 = 8 और 3 × 2 = 5, और यहाँ कितना हो गया, 8 × 2 = 10, 3 × 0 = 1, 4 × 5 = 9, 5 × 14 = 4 = 1, 4 × 5 = 640। तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत बराबर 640/58, यही काट लेंगे आंसर आ जाएगा कितना, 2 × 4 = 18, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 320। ठीक, तो इसको काट लेंगे तो जितना आएगा उसको हम लिख लेंगे, कितना आएगा हमारा, 29 × 29 = 3 और 30 × 29 = 29 = 1.01। ठीक, इतना आ जाएगा औसत, यही आंसर। और अगर हम दूसरे नियम से लगाएं तब भी जो है हमारा, तो दूसरा नियम आपको होमवर्क है, आप उसी तरह जिस तरह पीछे बताया हूँ उसी तरह लगा लीजिए। आगे, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश से 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है,
तो नए विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? फिर से विद्यार्थी और नए विद्यार्थी दोनों नियम में आपको जो नियम अच्छा लगे आप उस नियम से लगा लीजिएगा, लेकिन लगाइएगा एक ही नियम से, जो पढ़िए एक ही नियम से पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। विद्यार्थी 40 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, ठीक। नए विद्यार्थी कितने आए? 10। इनकी औसत आयु नहीं पता, हम यक्ष मान लेंगे। कह रहा है कि औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना था? 15। अब कितना हो गया? 15.2, ठीक। अब क्या करेंगे इसको? तो 15 इसमें से घटा देंगे तो 0.2, यानी 15.2 माइनस 15 अगर लिखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15.2 माइनस 15, ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 0.2। उसी तरह इसको घटाएंगे तो यक्स माइनस 15.2, ठीक। तो इसका जो अनुपात होगा इसके अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए कर लीजिए, यानी कि यक्स माइनस 15.2 बटे 0.2 बराबर 40/10। इससे ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 15.2 बराबर 4 × 8 0.8। तो यक्स बराबर 15.2 प्लस 0.8, तो यक्स बराबर 16, यही आ जाएगा आंसर, ठीक। तो आप होमवर्क ले लीजिए, आपका होमवर्क आज का क्या है? ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा कितना उत्तर आ रहा है। और इसके बाद कल जो है हमारी सुपर 30 जो एवरेज चल रहा है, एवरेज का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम बल्लेबाज का डिस्कस करेंगे कि बल्लेबाज अगर रन बना रहा है तो इतने पारी में इतना रन बनाया, इतने पारी में इतना, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम कल करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।